हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉगिंग करूं और आप लोगों से अपनी खुशी को शेयर करूं। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, खुश तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, तो आप लोग को पता ही है। बट जब सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मुझे कहीं से प्राइजेस आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं। जब मैं कोई चीज विन करती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे ही मैंने है ना एक चीज और विन की है। गेस करिए। अब गेस आप लोग कैसे करेंगे? गेस तो मैं भी नहीं कर सकती कि मैंने क्या विन किया है। बट हाँ, मुझे आज सुबह मॉर्निंग में कोरियर आया से, ये देखो, और ये आया ना, ये देखिए तृप्ति सक्सेना, और इसमें कुछ किचन का ही दिया हुआ है। तो अभी मुझे देखना है कि क्या है। आप लोगों को शायद याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कुक पैड की तरफ से मुझे सेकंड रनर अप में प्राइज मिला था, और वो था बोरोसिल के बाउल्स, दिखाए थे मैंने आप लोगों को। उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं क्योंकि कन्फ्यूज थी कि उसमें क्या है, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर है ना ये कुक पैड से है तो उसमें है ना बोरोसिल के बाउल्स होंगे, और अगर ये रेसिपी बुक से है तो इसमें कुछ और हो सकता है ना। तो उस टाइम पे वो बोरोसिल के बाउल निकले थे क्योंकि वो कुक पैड से आया था, और अब ये आया है शायद रेसिपी ब्लॉक से। तो चलिए स्टार्ट करते से खोलना। वाओ, ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि रेसिपी बुक में मैंने ट्रेडिशनल रेसिपी कॉन्टेस्ट को विन किया था और उसमें मेरी बंगाली थाली सिलेक्ट की गई थी। तो ये देखिए, ये कोई है रत्नीश रामाचंद्रन, इन्होंने मुझे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन दिस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फॉर ट्रेडिशनल रेसिपी कॉन्टेस्ट फ्रॉम रेसिपी बुक। आप लोग पढ़ सकते हैं, ये देखिए, वाह। और इसमें क्या निकला है अब ये दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हैं चार पीस सेट हैं और रेड कलर का है, और ये इसमें प्राइस भी दिया हुआ है, खैर 250 का है। आप लोग देख सकते हैं 250 का प्राइस है, और चार सेट हैं, कंटेनर्स हैं ये भी, तो एयर टाइट कंटेनर हैं और इस कलर में है, रेड कलर में है। तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच रेसिपी ब्लॉग। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब मैं विन करती हूँ। हालांकि चाहे आपको जीतने में कंटेनर्स मिले, चाहे कुछ भी मिले, गिफ्ट गिफ्ट होता है और गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। और इसमें प्राइस पड़ा हुआ था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, अदरवाइज नहीं तो मेरे को प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि गिफ्ट प्राइस प्राइस होता है, प्राइस की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपने कोई चीज जीती है तो उसमें जो आपका मेहनत, उसमें जो आपकी लगन लगी है, उसमें जो आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, वो ज्यादा मैटर करती है। और मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, फेसबुक में बहुत सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ और विन करती रहती हूँ। कभी कभी विन नहीं कर पाती तो मुझे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी मैं खुश रहती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे उसमें यह पता चलता है कि मैं किस जगह पे स्टैंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा, जिनका प्रेजेंटेशन होता है बहुत ही ऑसम प्रेजेंटेशन होता है, माइंड ब्लोइंग, जिसे हम खुद नहीं कह सकते कि इतना अच्छा भी हो सकता है। तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी बेटर कोई है। और जिस दिन अगर है ना, और ये सोच मुझे बहुत आगे ले जाती है, और अगर मैं जीत नहीं पाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता है, मैं और भी ज्यादा कोशिश करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, प्रेजेंटेशन में कमी रह गई होगी, या मेरे कुकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, तो मैं उस चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोचती हूँ।
कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि नेक्स्ट टाइम मैं जब पार्टिसिपेट करूं तो मैं उसमें विन कर जाऊं। और रेसिपी ब्लॉग में मैं सच बताऊं तो मैं फर्स्ट टाइम इसमें विन की हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है ये इसके लिए, मतलब इसके लिए मैंने रेसिपी ब्लॉग्स में कितनी बार है ना एडमिन से बोला, मैम मेरा गिफ्ट आना था वो कब आएगा, एंड ये था कि बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी तक आ गया, अब खैर आ गया। तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कभी भी निराश नहीं होती और अपने काम को करती चली जाती हूँ। मुझे जहां लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि जो चीज मैं कर सकती हूं मैं अपने एफर्ट्स अच्छे देती हूं, अपनी तरफ से कोशिश करती हूं अच्छे देने की, बाकी ऊपर वाले के ऊपर हाथ में है और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है और बाकी मेरी मेहनत है, मेरी लगन है और बाकी आप लोग हैं। आप लोग के बिना भी मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि YouTube में जो मुझे फैमिली मिली है वो बहुत अच्छी है, एंड आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे ही मेरी रेसिपीज को सराहते रहिए, यानी कि मोटिवेट करते रहिए मुझे, जिससे कि आपकी तृप्ति सिस्टर बहुत आगे जाएं और आप लोग भी खूब आगे जाएं, यही मैं दिल से दुआ देती हूँ आप सभी को। मेरे लिए विन करना मैटर करता है कहीं ना कहीं, नहीं विन कर पाती तो कोई बात नहीं, तो मैं अपनी गलती को रियलाइज करती हूँ कि कहाँ कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं विन करूँ, क्योंकि इसमें मुझे अपनी पहचान बनानी है जो कि मुझे मिल रही है, और टचवुड ऐसी पहचान बनी रहे, पतिदेव भी बहुत खुश होते हैं कि वाओ घर बैठे, सही बात है घर बैठे आपको प्राइजेस आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं कोई झूठ नहीं बोलती, क्योंकि अगर मुझे झूठ बोलना हो तो मैं इस तरीके की, देखिए पूरी स्लिप ये है मेरे पास और इसमें पूरा दिया हुआ है, देखिए, और आप लोग देख सकते, और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं कोई झूठ नहीं बोलती। आप लोग सोचते हैं ना कि हर बार ये विन करती हैं, हर बार इनको कुछ ना कुछ मिलता है, मैं कोई झूठ नहीं बोलती। ये देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इन्होंने है ना साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं शायद, कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन दिस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फॉर ट्रेडिशनल रेसिपी कॉन्टेस्ट फ्रॉम रेसिपी ब्लॉग, ये देखिए, ठीक है। और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए अमेजोन से इन्होंने भेजा है मुझे, ये इन्होंने इधर शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है इस जगह पर, और इस जगह पर ये बिलिंग एड्रेस है, आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप इधर आ जाइए तो जिन्होंने मुझे भेजा है, ये जो रत्नीश जी हैं इनका बिलिंग यहाँ पे इन्होंने बिलिंग एड्रेस अपना दिया हुआ है, और इस तरीके से पूरा आया है, ये देखिए। तो इसलिए ये कहना भी गलत है कि आप लोग ये गलती से भी नहीं कह सकते कि तृप्ति जी आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये चीज बिल्कुल प्रूव्ड है। तो सच पूछिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच रेसिपी ब्लॉग्स के जितने भी एडमिन्स हैं, और नमिता जी हैं और अनु जी हैं, तो सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और जब मैं रेसिपी कॉन्टेस्ट में मैंने पार्ट लिया था, तो मैं आपको सच बताऊं तो उसमें मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री में सिलेक्शन हुआ था, मतलब 7 पोजीशन पे नाम आया था वाइल्ड कार्ड एंट्री से, ठीक है ना। तो मैं खुश हुई थी, फिर जब है ना उनका एक मैसेज आया कि तृप्ति जी आपकी ट्रेडिशनल रेसिपी में बंगाली थाली सिलेक्ट की गई है, मैं तो खुशी से समा नहीं रही थी, फूली नहीं समा रही थी, इतनी खुश हो गई थी। मैंने कहा वाओ मेरी इतनी, मतलब वो थाली इतनी पसंद की गई, वाओ दैट्स गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कहते ना इनकरेज आपको कोई करे, एक कहते ना आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, तो वो चीज करने में और अच्छा लगता है। अगर कोई थोड़ी सी तारीफ करता है ना तो लगता है यार हाँ करना चाहिए, और जब आपको कहीं से कुछ भी ना मिले तो फिर थोड़ी सी निराशा हो जाती। तो इसलिए मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर बैठे बहुत कुछ अपना काम करती रहती हूँ। तो मैं अब अपने व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ, एंड आई होप कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।